दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर यशेष विश्वकर्मा प्रयागराज से। दोस्तों हम आम लोग आम खाने पीने की चीज़ों में प्रयोग करते हैं चुकंदर का, तो काटने पे आप देख ही रहे हैं बिल्कुल लाल होता है ये, और नेचुरल सोर्सेस काफ़ी होते हैं इसमें। तो इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन की मात्रा काफ़ी होती है और 43 मिलीग्राम तक लगभग इसमें नेचुरल रिसोर्सेस सोर्सेस आपको मिलते हैं। तो बीपी में, डायबिटीज़ में बिल्कुल सुरक्षित है, आप खा सकते हैं इसको, सलाद के रूप में खा सकते हैं, इसका जूस बना के आप पी सकते हैं, और भी सब्जी के रूप में तमाम सोर्सेज हैं, तमाम तरीके हैं इसके खाने के, आप किसी भी तरीके से खाएंगे तो आपको। सबसे बड़ी चीज़ है ये है कि इसमें शर्करा की जो मात्रा होती है, शर्करा का ये नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है। और जिनको बालों की समस्या होती है, बाल झड़ रहे हैं, पक रहे हैं, तो इसको खाने से क्या है कि उनका जो ग्रोथ है सही होगा, अच्छा होगा, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बहुत ही अच्छा सलाद के रूप में, सूप के रूप में, सब्जी के रूप में आप इसको ले सकते हैं और ये आपको फायदा करेगा। और आयुर्वेद ये मानता है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ऐसी है कि आपको प्रकृति के साथ जीना सिखाती है। तो आप प्राकृतिक चीज़ों के साथ बने रहें, प्राकृतिक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें ताकि आपका डाइजेशन, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। और चुकंदर आप खाएं सलाद के रूप में, सूप के रूप में, नेचुरल सोर्सेज हैं इसमें। 1 से 6 ग्राम प्रोटीन लगभग इसमें मिल जाता है आपके 100 ग्राम के, तो प्रोटीन आप जान ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छा, शरीर के डेवलप के लिए अच्छा है प्रोटीन। तो नेचुरल जो आएगा वो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा, बाकी कैप्सूल लेना वे सब लेना तो अलग चीज़ है, लेकिन नेचुरल का जो सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप नेचुरल चीज़ों का सेवन करें, प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करें और प्राकृतिक चीज़ों के साथ बने रहें, यही हमारी शुभकामना है, आपका स्वास्थ्य बेहतर। धन्यवाद।